गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इन आवर लास्ट वीडियो ऑफ क्लास 9th वी टोट दिस चैप्टर टिल 4th पैराग्राफ. सो टुडे वी स्टार्ट फ्रॉम 5th पैराग्राफ ऑनवर्ड्स. एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वुड नॉट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट. If you work hard and know where you are going, you will get there. And she got right to the top. World's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instrument and hectic international schedule. हमने पिछले वाली वीडियो में पढ़ा था कि एक एवलिन थी जिसको सुनाई नहीं देता था और फिर उसको एक म्यूजिक वाले स्कूल में डाल दिया जाता है, एक ऐसे स्कूल में जहाँ पे बहरे बच्चों को पढ़ा जाता है, जहाँ पे जो डीफ होते हैं. और फिर उसने अपनी वाइब्रेशन से जो है म्यूजिक की ताल को उसको पहचानना शुरू कर दिया था. तो अब यहाँ पे आते हैं, आज शुरू करते हैं. एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वुड नॉट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट. उसके बाद यहाँ पे एवलिन कहती है कि उसके बाद फिर हमने उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा. और वो कहती है कि यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो तो तुम वहाँ तक पहुँच ही जाते हो जहाँ तक तुम्हें जाना होता है. एंड सी गोट राइट टू द टॉप. और इसी वजह से वो बहुत चोटी पर पहुँची संगीत की दुनिया में. द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी पर्क्यूशनिस्ट विद ए मास्टरी. और बहुत सारे जितने भी म्यूजिक वाले यंत्र होते हैं, तबला वादक होते हैं, वो यंत्र होते हैं उस तरह के, तो उसमें उसकी मास्टरी थी. और उसका एक हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल होता था, मतलब पूरे दुनिया के अंदर उसके बहुत सारे प्रोग्राम होते थे. 6th पैराग्राफ. इट इज इंट्रीगुइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग. इन अवर 2 आवर्स डिस्कशन सी नेवर मिस्ड ए वर्ड. Man with bushy birds give me trouble. She laughed. It is not just watching the lips. It is the whole face, especially the eyes. She speaks flawlessly with a Scottish hit. My speech is clear because I could hear till I was 11. She says, but that does not explain how she managed to learn French and master basic Japanese. यहाँ पे आ जाइएगा. एवलिन कहती है कि इट इज इंट्रीग्यूजिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग. मतलब उसके फंक्शन को देखने में अच्छा लगता था कि वो बिना सुने ही अपना प्रभाव लोगों पे डाल देती थी, बिना सुने ही अपना प्रभाव लोगों पे डाल देती थी. इन अवर 2 आवर डिस्कशन सी नेवर मिस्ड ए वर्ड. और हमारे 2 घंटे की डिस्कशन में उसने एक भी वर्ड मिस नहीं किया जो उसको सुनाई ना दिया हो, जिसने उसको समझा ना हो. मैन विद बसी बर्ड्स गिव मी ट्रबल, सी लाफ्ड. और वो हंसते बोली कि जिसकी बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, दाढ़ियों की जैसी दाढ़ी थी, उसने मुझे बहुत परेशान किया. इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स. और वो इसलिए नहीं कि मैं होठों को देखकर पहचानती थी, इट इज़ द होल फेस स्पेशली द आइज, बल्कि मैं उसके पूरे चेहरों को देखकर उसके शब्दों को पहचानती थी, स्पेशली उसकी आँखों को देखकर, आँखों के एक्सप्रेशन को देखकर वो पहचान जाती थी कि बंदा क्या कह रहा है सामने वाला. सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिप. और स्कॉटिश लैंग्वेज को बिल्कुल फ्लॉलेसली बोलती थी. माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11. और वो कहती है कि मैं स्कॉटिश इसलिए बहुत अच्छी बोल लेती हूँ क्योंकि मैं 11 वर्ष तक सुन लिया करती थी. तो 11 वर्ष का बच्चा जब वर्ड को सुन लेता है, उसे बोलना जाता है, तो उसे पता था कि इसका मतलब क्या होता है. देखो, बहरा जो बंदा होता है, जो बहरे लोग होते हैं, वो बोल क्यों नहीं पाते जो बचपन से बहरे होते हैं? वो इसलिए बहरे नहीं बोल पाते क्योंकि उन्होंने यहाँ पे हमारी लैंग्वेज को सुना ही नहीं है. भाई, हम बोलना कब सीखते हैं? जब हम अपने मम्मी पापा से बात करते हैं.
हम यहाँ के माहौल में जब पूरे घिरे रहते हैं तो हम वही शब्द बोलते हैं जो यहाँ पे हमारे सामने बोले जाते हैं। तो बहरा जो डीप होता है वो बोल तो सकता है लेकिन वो बोले क्या, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि वो बोल नहीं सकता, बोल सकता है लेकिन उसे वो क्या बोले। तो इसलिए यहाँ पे एवलिन कहती है कि मैं जब 11 साल की थी तो तब तक मुझे सुनाई देता था, मैं बाद में डीप हुई और इसलिए मैं स्कॉटिश को अच्छी तरह से बोल लेती थी। सी सेज बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज्ड टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। लेकिन अपने इस प्रश्न के जवाब में उसने एक्सप्लेन किया कि वो फिर भी फ्रेंच लैंग्वेज और जापानीज लैंग्वेज को किस प्रकार से बोल पाती थी। चलो वो तो ठीक है, स्कॉटिश में वो रही थी लेकिन फ्रेंच और जापानीज को कैसे बोल पाती थी, उसको कैसे समझती थी। सेवन्थ पैराग्राफ। एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन्स इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। और एक संगीत के रूप में वो उसके शरीर के हर हिस्से में बहता है। अगर मैं म्यूजिक की बात करूँ, इट टिंगल्स इन द स्किन, ये मेरी स्किन में कंपन करता है। माई चिक बोन्स, मेरे जो गालों की अंदर जो हड्डियां हैं उसमें कंपन पैदा करता है। एंड इवन इन माई हेयर, और मेरे बालों तक में भी कंपन पैदा करता है जब भी कोई म्यूजिक बजता है। व्हेन सी प्लेज द जाइलोफोन, और जब वो जाइलोफोन बजाती है, सी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इन टू हर फिंगर स्ट्रिप्स। और अपनी फिंगर स्ट्रिप्स के माध्यम से जो आवाज़ पास होती है उसको वो समझ पाती है। बाई लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स सी कैन फील द रिजोनेंस फ्लोइंग इन टू हर बॉडी। और ड्रम के ऊपर झुक करके वो अपनी बॉडी में हो रहे बदलाव को पहचान पाती है। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म सी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन पाफ थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। और किसी भी लकड़ी के प्लेटफॉर्म पे वो अपने शूज निकाल के बैठती थी, शूज निकाल के खड़े होती थी, ताकि नंगे पाँव के में आने वाले कंपन से, जो कंपन उसकी लेग्स से ऊपर ऊपर जाएंगे, उससे वो वहाँ पे उसको महसूस कर सके। नेक्स्ट पैराग्राफ। नॉट सरप्राइजिंगली इवन डिलाइट्स हर ऑडिशंस इन 1991 सी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। और इस बात से ज़्यादा अपने आप को सरप्राइजिंगली ना लेते हुए, मतलब ये चीज़ उसके लिए कोई सरप्राइज नहीं थी। एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसिस, एवलिन ने अपने जो उसके ऑडियंस थे उनको बहुत ज़्यादा खुश किया। इन 1991 सी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल, और ये जो एक रॉयल फिल हार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलिस्ट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पे उसको एक अवार्ड दिया गया था 1991 में। सेज मास्टर परकुशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और जो उसके मास्टर परकुशनिस्ट थे जेम्स ब्लेड्स, वो कहते हैं कि भगवान ने उसकी सुनने की शक्ति को तो छीन लिया लेकिन उसके बदले में उसके अंदर बहुत सारी विचित्र चीज़ें डाल दी। व्हाट वी हियर, जो हम सुनते हैं, सी फील्स, उसको वो महसूस करती है। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, फार मोर डीपली एनी ऑफ अस देन एनी ऑफ अस, हम सबसे ज़्यादा उसको वो महसूस करती है। दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेसिज म्यूजिक सो ब्यूटिफुल्ली। और यही कारण है कि वो म्यूजिक को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाती है। नाइन पैराग्राफ। एवलिन कन्फेसिस दैट सी इज समथिंग ऑफ ए वर्कहोलिक। और एवलिन यहाँ पे इस बात को भी स्वीकारती है कि वो वर्कहोलिक है। वर्कहोलिक मतलब होता है इसको काम करने की आदत हो, ठीक है ना। जो काम, जब तक वो काम ना करे तब तक उसको चैन ना पड़े, नींद ना आए। जैसे कि अल्कोहलिक होता है शराबी, ठीक है ना, ऐसे ही वर्कहोलिक क्या होता है, जिसको काम करने का आदी हो, काम में खुश रहता हो। तो कहती कि वो वर्कहोलिक है इसलिए भी थोड़ा सा वो कामयाब है। आई हैव जस्ट गो टू वर्क ओफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन। क्लासिकल म्यूजिशंस के अगेंस्ट
मुझे काम चाहिए होता था, बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस। जितना कठिन परिश्रम वो करती थी उसके बदले में जो रिवार्ड्स उसको मिलते थे, जो पुरस्कार उसको मिलते थे, वो भी बहुत बड़े बड़े होते थे। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल। और अपनी रेगुलर कंसर्ट्स बोलते हैं जो संगीत सभाएं होती हैं, उनके अतिरिक्त भी एवलिन हॉस्पिटल और जेलों के अंदर, ठीक है ना, कैदियों के लिए फ्री में कंसर्ट दिया करती थी। वहाँ पे कोई पैसा नहीं लेती थी जाने का। सी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशंस। और जितने भी यंग म्यूजिशंस होते थे तो उनमें जाने के लिए वो अपने आप को प्रायोरिटी पे रखती थी। एन रिचलिन ऑफ द बिथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज सी इज शाइनिंग इंस्पायरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन। और ये एन रिचलिन ऑफ द बिथोवन फंड है, ये है, तो वो कहते हैं कि वो बच्चों से कहते हैं, क्या कहते हैं, सीज इज शाइनिंग इंस्पायरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन, के वो बहरे बच्चों के लिए एक मिसाल है, एक चमकती हुई मिसाल है लोगों के लिए कि देखो हमारे ऊपर कितनी भी मुसीबतें आएँ लेकिन हम अगर चाहते हैं तो हम कामयाब हो सकते हैं। दे सी दैट देयर इज नाउ वेयर दे दैट दे कैन नॉट गो। वो देखते हैं कि वो वहाँ पे थी जहाँ पे वो लोग कभी नहीं जा सकते थे, मतलब उसने इतनी सफलता जीवन में अपने हासिल कर ली थी। टेंथ एंड लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर, एवलिन ग्लिने हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। और एवलिन ग्लिने जो थी वो अपनी उम्र से भी दुगनी उम्र के लोगों को अकम्प्लिश कर चुकी थी पहले ही। सी हैज़ ब्रॉट परकुशन टू द फ्रंट ऑफ ऑर्केस्ट्रा एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। वो ऑर्केस्ट्रा के सामने भी अपनी तार बजाने की कला को प्रस्तुत कर चुकी थी और वहाँ पे उसने बता दिया था कि इस प्रकार के प्रदर्शन से बेहतर प्रदर्शन नहीं किए जा सकते। सी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड। उसने ऐसे लोगों को प्रेरणा दी थी, वो ऐसे लोगों को प्रेरणा दे चुकी है जो लोग बिल्कुल हैंडीकैप्ड होते हैं, जो अपंग होते हैं। पीपल हु लुक टू हर, वो लोग जो उससे मिलते थे कहते थे इफ सी कैन नॉट डू इट आई कैन, यदि वो ऐसा ना कर सकती तो मैं कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट सी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लीजर टू मिलियंस। और न केवल उसने ऐसा ही किया कि मतलब जो काम नहीं हो सकते थे उसने करके दिखाए, बल्कि उसने बहुत सारे लोगों को, मिलियंस लोगों को, ठीक है ना, बहुत बड़ी खुशियाँ प्रदान की हैं अपने आप ये कामयाबी हासिल करने के बाद। तो तीसरा चैप्टर साउंड ऑफ द म्यूजिक। इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी शैल टीच द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।